हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे चोको फिल्स कुकीज की रेसिपी। सो ये कुकीज बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ये जो कुकीज है वो मैंने केक जो मिक्स आता है मार्केट में, कोई भी वाला केक मिक्स, आप उससे बना सकते हैं इजिली, बहुत अच्छी बनती है कुकीज। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल और 1/4 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है देसी घी, जो नॉर्मल घी हम घर पे खाते हैं वो वाला। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली, मतलब 2 चम्मच शुगर, बिकॉज जो केक मिक्स होता है उसमें शुगर ऑलरेडी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें शुगर थोड़ा सा डाला है। बिकॉज मुझे इसका जो कुकीज़ का मिक्सचर होता है, जो स्टार्टिंग वाला घी और शुगर वाला, तो ये फ्लफी वाला मिक्सचर बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच शुगर यूज करी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, काफी अच्छे से मिक्स करेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए मैंने फास्ट करके आपको दिखाया, तो ये इस तरीके से व्हाइट हो जाएगी क्रीम, आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया इसका। तो बस यहाँ पे हम डाल देंगे केक वाला मिक्स, तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप केक वाला मिक्स डाल दिया है और इसको हम छान लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट कुकीज बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, और इन दोनों को हम छान लेंगे। और बस हमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं डालनी है इस पे, बस इसको हमने छान लिया है और इसको हम दूध के मदद से डो रेडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दूध की मदद से डो को रेडी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका डो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ। मैंने इसमें दूध डाल दिया है जितना इसमें चाहिए था, और हम इसको इस तरीके से मैश करते रहेंगे, मतलब मिक्स करते रहेंगे, तो ये डो देखिए सॉफ्ट सा बन जाएगा। तो हम इसके छोटे छोटे से पहले बॉल्स रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके फिल्स, इसका मतलब अंदर फीलिंग भरेंगे चॉकलेट वाला। तो क्योंकि हम चोको फिल्स वाली कुकीज़ बना रहे हैं, तो हमें अंदर फीलिंग भरनी होगी, तो पहले हम छोटे छोटे इस तरीके के बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे 8 से 10 कुकीज़ के बॉल्स बन गए हैं। और यहाँ पे अब हम डार्क चॉकलेट कट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुकीज़ में अंदर हमें फिलिंग भरनी है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स लेके उसको इस तरीके से हाथ से करेंगे, और फिर हम उसमें चॉकलेट फिल करके ऐसे राउंड शेप में बॉल्स बना देंगे और थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे, तो ये हमारा कुकीज़ बन गया। तो आपको मैं स्लो मोशन में एक बार और दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें हाथों की मदद से इस तरीके से हमें कटोरी जैसा शेप देना है, फिर हमें इसमें चॉकलेट ऐसे डालनी है अंदर जितनी आपको चाहिए। मैंने थोड़ी कम डाली, अगर ज्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप ज्यादा चॉकलेट डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसका बॉल बना लेना है, फिर इसको हाथों की मदद से दबा देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी सारी कुकीज बनकर रेडी हो गई है, मैंने इसको ट्रे में डाल दिया है, बेकिंग ट्रे पे, और हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए मैंने कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे ट्रे को अंदर डाल दिया है, बेकिंग ट्रे को, जिसमें हमने कुकीज रखी थी, और बस फिर इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में ये कुकीज़ बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इसको आगे देख सकते हैं किस तरीके से कुकीज़ बन रही हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी कुकीज़ बन रही है, मैंने छोटे शेप बनाए थे, कितनी बड़ी बनकर रेडी हो गई है, और बहुत ही टेस्टी बनी केक मिक्स से ये कुकीज़। और अंदर मैं आपको इसका चॉकलेट भी तोड़ के दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छे से इसमें चॉकलेट भी आया है। तो ये हमारी चोको फिल्स कुकीज़ आप घर पर भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी सिंपल सी चोको फिल्स वाली कुकीज़ की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।